हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किफायती कलाकार। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं कहां से? थाईलैंड से। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि मैं बैंगलोर से बैंकॉक आ चुका हूं, यानी कि थाईलैंड आ चुका हूं। और इस ब्लॉग में मैं अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करूंगा, जहां पे मैं कुछ जगहों को एक्सप्लोर करने वाला हूं। तो बने रहना आप इस ब्लॉग में। लेकिन उससे पहले मैं जहां पे रुका हूं, जिस प्रॉपर्टी पे मैंने बुकिंग कराया था, उसका आपको एक छोटा सा पहला सा टूर देता हूं, तो वो देख लो पहले आप। तो ये हमारा होटल लैम्फू हाउस, ये इस तरफ है, खाओ सन रोड के अपोजिट जो गली आता है उसमें आप अंदर आओगे तो एक थोड़ी दूर के बाद आपको एक और गली मिलेगा अंदर आने को, उसमें आप आओगे तो लैम्फू हाउस करके एक प्रॉपर्टी है जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं। और ये है उसका व्यू, काफ़ी नेचर फ्रेंडली जगह है। और ये हमारा नीचे सिटिंग एरिया है जहाँ पे आप बैठ के नाश्ता वास्ता कर सकते हो। ये रिसेप्शन है और बाहर भी बैठने का जगह है, यहाँ पे इधर भी आप बैठ सकते हो। और ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप कुछ खाने पीने का ब्रेकफास्ट का आइटम ऑर्डर कर सकते हो। ये चीज़ है, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। एक सिस्टम दिया हुआ है जहाँ से आप कोई भी वेबसाइट एंटर करके अपने लिए टिकट बुक कर सकते हो। तो स्नेहांशु अभी टिकट बुक कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक का? बैंकॉक से पटाया, बैंकॉक से पटाया के लिए। ये वाला प्रॉपर्टी हमने बुक किया था मेक माई ट्रिप के थ्रू, और हमें पड़ा था अराउंड 2000 रुपये पर नाइट के। इंडिया में हम लोगों ने पैसे एक्सचेंज करवा लिए थे, यानी कि इंडियन करेंसी को थाई भात में कन्वर्ट करा लिया था, जो कि हमें रेट पड़ा था, एक बार करवाया था तो हमें रेट पड़ा था 2.32 का, दूसरी बार कराया तो 2.36 का। अगर आप ऐसा नहीं करते हो और करेंसी एक्सचेंज नहीं करवाते हो इंडिया में, और यहाँ आके अगर आप कार्ड वार्ड से विड्रॉल करते हो, तो आपको अराउंड 200 बाट यहाँ के लग जाएंगे एक्स्ट्रा। इंडियन करेंसी के हिसाब से देखो तो आपको 500 रुपये देने पड़ जाएंगे एक्स्ट्रा पर ट्रांजेक्शन। 10 बज चुके हैं और धीरे धीरे जो शॉप सुबह में क्लोज थे खुलना शुरू हो गया है। ये सब है, कपड़े हैं, कुछ कुछ बैग्स वगैरह हैं, बाकी और भी छोटे छोटे चीज़ हैं। हम लोग होटल पहुंच गए थे अराउंड 8 बजे के करीब, 8 या 8:30 के करीब। हमारा जो चेक इन टाइम है वो 2 बजे का है, तो फिलहाल वेट कर रहे हैं क्योंकि कोई भी रूम खाली नहीं है। तो तब तक क्या करते हैं, बस बाहर निकल के जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये ऐसा है भाई, ऐसा कुछ सीन्स है यहाँ के खाओ सन रोड के पास का। आज रात में हम लोगों का प्लान है खाओ सन रोड जाने का, वो काफ़ी हैपनिंग जगह है बैंकॉक के अंदर, तो रात को आप व्यू एंजॉय करना। दिस इज खाओ सन रोड, दिस वे, दिस वे। एंड व्हाट दिस रोड इज कॉल्ड? लैम्बुट्री। लैम्बुट्री, ओके ओके, थैंक यू। नो नो, एक्चुअली वी आर लीविंग टुडे, और वी आर जस्ट लीविंग बैंकॉक टुडे। सो कोई क्या करे, बोलना पड़ता है झूठ यार। धूप है काफ़ी, बैंगलोर में टेम्परेचर अराउंड 20 to 25 के बीच में रहता था, यहाँ पे आई थिंक अराउंड 30, क्योंकि थोड़ा बहुत स्वेटिंग वगैरह हो रहा है। और ये खाओ सन जाने का शॉर्टकट, जो बोलो थाईलैंड में ना वाइब तो है भाई, मानना पड़ेगा। ये सुबह के टाइम में 10 बजे के अराउंड ऐसा वाइब है, और ये कोई वाइब वाला एरिया भी नहीं है। बस ये इमेजिन करो कि यहाँ पे रात में 8, 9, 10 बजे रात के बाद वो सारे एरिया पे जहाँ पे पार्टी वाला एरिया होता है, क्या सीन रहता होगा। और ये है मनी एक्सचेंज का, जो कि अगर आप यहाँ करवाओगे तो अच्छे रेट्स नहीं मिलेंगे। थाईलैंड में आके मनी एक्सचेंज करवाने का मत सोचना, इंडिया से ही करवा कर लाओ, बेस्ट है। अगर आप इंडिया में कपड़े का शॉपिंग करके नहीं आते हो तो फिकर नॉट, बहुत ऑप्शन है इधर। थोड़ी देर हम लोगों ने वॉक किया और गर्मी से हालत ख़राब हो गया, गर्मी है, गर्मी है। और वापस से आ गए अपने होटल लैम्फू हाउस। ये लिखा हुआ है लैम्फू हाउस करके, बट यहाँ के लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं लैम्फू हाउस, लैम्फू हाउस ऐसा ही कुछ। This one, Thai iced tea with lime, 40 baht, and this one,
दिस नो आइस दिस आइस कूल कूल ठंडा ठंडा कूल कूल से कूल 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 या ठंडा ठंडा कूल कूल कोल्ड कोल्ड कूल कूल या यू नीड पासपोर्ट यस Okay. So you already paid for one night yeah. for both rooms, hmm. but may I have 500 for key deposit each room? 1,000, right? Yes, 1,000. 500 for each room. The sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a thank you. Kamaka. 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 So, this is the room. Mirror. Chota sa room hai, but enough hai. तो ये रूम हमने बुक किया है बस एक दिन के लिए जो कि हम बैंकॉक में रह रहे हैं और कल हम लोग सुबह निकल जाएंगे पटाया के लिए तो कल 11:30 बजे चेकआउट है और अभी हम निकल रहे हैं महाना खान ऐसा ही कुछ नाम है जो कि बैंकॉक का वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग है उसके 78 फ्लोर पे ग्लास का स्काई वॉक है तो वो देखने जाएंगे और ऊपर से पूरे बैंकॉक का व्यू एंजॉय करेंगे साथ में और अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और निकल रहे हैं और स्नेहांशु को देख लो ओहो नेताजी आप ही को वोट देंगे कंडक्टर लग रहे इस बाइक की वजह से ठीक तो अभी हम लोग सब कुछ तैयार हैं और निकल रहे हैं महाना खान जो कि बताया था ना टॉलेस्ट हेलो सुबह के टाइम में ये वाला रोड बिल्कुल खाली खाली था और अभी देखो पूरा मार्केट खुल चुका है तो महाना खान जाने से पहले हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना पहले कुछ खा लेते हैं यहीं पे और फिर निकलेंगे तो यहाँ पे अभी सब लोग बैठे हैं खाने के लिए चलो लेट्स गो विल सी आगे क्या है जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि आपको इंडियंस इस एरिया में बहुत कम देखने को मिलेंगे सिर्फ आपको वेस्टर्न बैकपैकर्स रशियंस जर्मन्स ये लोग देखने को मिलेंगे वाइब है भाई थोड़ी बार चुके हैं 10 बार स्विट्जरलैंड फ्लोटिंग मार्केट बिग बुद्धा लकी वुड व्हाट पर्पस एंड कम बैक हियर एवरीवेयर आई स्टॉप नो नॉट टुडे मे बी टुमारो नो वी आर हियर फॉर मेनी डेज But today they are open free entry. No pay ticket. No. But Gold nudge. We'll do it tomorrow. Today we have some other plans. Where are you going today? Near Bangalore. Right now. 1 minute. Tomorrow, right? Hello. Yeah, tomorrow. But tomorrow? Yeah. You help me go to the floating market. Yeah, train market. Okay. I have a taxi. I have car. Yeah. Okay. I think go there waiting for you and come back. I charge you very cheap. Okay. Thank you. यार ये लोग ना पीछे पड़ जाते हैं तो यहीं पे हम लोग हल्का फुल्का कुछ खाते हैं So let me show it You are exactly what I want Kinda cool and kinda not Wanna give myself to you Yeah, we're driving down the freeway at night only... यहाँ पे खाने का आइटम खोजना भी एक स्ट्रगल है भाई या तो आपको फ्रूट्स दिखेंगे जो कि काफ़ी अच्छे हैं फ्रूट्स अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे बाकी वही नॉनवेज और नॉनवेज में ऐसा नहीं है कि चिकन मटन वो कुछ भी हो सकता है भाई कुछ भी Yeah, four people. Mahana Khan. Mahana Khan King Power. Yeah. 400 baht, right? No. How much? 400 baht. Are. How much, friend? How much? 150. Pura nadi samajh raha hai, nahi? Yeah.
are going to Mahalakum. Yeah. Boat. Better than to boat. 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 But from where you get the boat? I think the better option would be cab. They take around 150. Taxi 135, no? Okay. The taxi takes 120. Okay. Economy one. And boat. Thank you, ma. Okay, see you there. टोपी पे है। अरे बॉस चश्मा टोपी पे डाल के भूल जा रहे हैं। ऐसे भूलिएगा तो कैसे चलेगा। थोड़ा हेड मसाज चाहिए, हेड मसाज चाहिए ना। मानकॉन टावर, मानकॉन टावर खाओसन रोड से महाना खान स्काई वॉक तक आ चुके हैं और यहाँ तक आने में हमें अराउंड 150 बाहर लगे और पहले जो प्राइस वो बोल रहे थे वो था अराउंड 400 थाई बाहर, बट नेगोशिएट करने के बाद वो 150 पे मान गए। भाई साहब लाइफ में पहली बार इतनी ऊंची बिल्डिंग देख रहा हूँ, जो है सो है। और ये बिल्डिंग अराउंड 78 फ्लोर का है और हम लोग जाने वाले हैं उस पर सबसे ऊपर। और ऊपर जाने का कुछ फी है, कितना था इसका ये एंट्री टिकट? कुछ 3000 के करीब था ना, 3000 के करीब था शायद, अभी एग्जैक्ट याद नहीं, आपको मैं ऊपर जाता हूँ तो देखकर बताता हूँ, बट अराउंड 3000 इसका एंट्री था इंडियन करेंसी के हिसाब से 3000। और आप ऊपर तक जा सकते हैं 78 फ्लोर तक। और बाकी भाई सारे पैसे नज़ारे के। और अभी जाते हैं अंदर और ऊपर से दिखाते हैं आपको बैंकॉक। अगर ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना तो मैं क्या करूँगा, इसको दो पार्ट में कर दूँगा, जिसमें एक ब्लॉग में पूरा इस बिल्डिंग के नाम महाना खान। तो फिलहाल इस ब्लॉग में बस इतना ही, अगर अच्छा लगा हो तो प्यार बरसाइएगा।